अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अदर वीडियो। तो भाई सीन ये, आज हम मौजूद हैं साथ और साथ देर हादी के साथ। तो पहले आपने हमें दो में देखा था, अब आपने हमें तीन में देख लिया। तो दो लोग मौजूद हैं मेरे साथ, हादी और साथ भाई। साथ भाई कह रहे हैं कल का मैच पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होने वाला और पाकिस्तान कल का मैच भी हारने वाले हैं। जबकि हादी और मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। हम कह रहे हैं नहीं यार, हमारी टीम इंशाल्लाह कमबैक करेगी, जीतेगी। तो हादी आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या अच्छी बात कर रहे हैं आज? मैं अच्छी बात क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा। तो इसलिए जीतेगा क्योंकि ले भाई हमारे पास कोई छोटे मोटे बैट्समैन थोड़ी है। बाबर आजम है, रिजवान है, बैट्समैन या बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब सिर्फ बैट्समैन की बात, मोहम्मद वसीम जूनियर है, मोहम्मद वसीम जूनियर तो ऑलराउंडर में आ जाएगा ना यार। बॉलर में हमारे पास मतलब ऐसा क्या होगा? बॉलर में यार मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कमबैक होने वाला है। लेकिन सिर्फ बॉलर्स नहीं, मुझे बैट्समैन की भी ये लगता है कि बैट्समैन जो है, जैसे अगर इमाम उल हक हो गया, बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, वो अच्छा कमबैक करेंगे। अच्छा। सही है, अपने इंडिया के सामने नहीं कर पाए, वहाँ पर क्राउड का भी एक वो होता है, प्रेशर होता है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन मैं साथ भाई को अभी भी बोलूँगा पाकिस्तान जीतेगा। साथ भाई ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह पे आप कह रहे हो कि भाई इस टीम, आप शुएब जट क्यों बन गए अचानक? यार शुएब जट बनने की वजह देखें, अभी क्या होता है कि आप देखें ना, आज तो आप हारते आ रहे हैं, पिछले दो महीने आपके लिए बहुत टफ रहे हैं, और आपने किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ आप जो है ना, वो अच्छी परफॉर्मेंस आपने नहीं दी है। अब आप जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का सवाल है, तो देखिए वार्नर ने आपको, वार्नर की आपके खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है रही है पास में, और हमारे हिसाब तो यही कि हमारा तो यही पिछली आप उठा के देख लें हिस्ट्री, जो प्लेयर फॉर्म में नहीं होता वो हमारे खिलाफ आके फॉर्म में जो है वो हो जाता है। तो आप ऑस्ट्रेलिया के आप कितने देखें आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर, आप देखें मिचेल मार्श है ओपनिंग से आके, फिर स्मिथ है, उसके अलावा फिर वार्नर खुद आउट ऑफ फॉर्म है, फिर ये सारे नीचे मैक्सवेल भी बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन बैटिंग में जो है वो फ्लॉप जा रहा है। तो ये सारे देखें इस जो पॉइंट्स हैं वो ये कि हमारे खिलाफ आगे क्या पता इनमें से कोई एक दो प्लेयर्स चले यार। अगर साथ में अगर फ्लॉप्स की आप बात करें तो हमारे पास ही बहुत सारे फ्लॉप्स हैं। हमारे इमाम उल हक फ्लॉप है, हमारे शादाब फ्लॉप है, अभी तक बाबर फ्लॉप है, अभी तक हारिस सऊद वैसे परफॉर्म नहीं कर पाया, तो सकता है हमारे प्लेयर्स भी। देखिए जब तक आपकी तो टीम में, देखिए हमारी तो फिर भी टीम में चीज़ें चल रही है ना, सही चल रही है। देखिए प्लेयर परफॉर्म करते वाले नहीं कर रहा, आप तो चलाई पर दोस्त तैयारी की टीम रहो, आपकी शादाब की परफॉर्मेंस देख लो कितनी खराब है पिछले। देखो ये आप कह रहे हो ना, ये मैं नहीं मान रहा ना इस बात को। भाई शादाब की पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन पिछला वर्ल्ड कप भी था ना जिसमें शादाब ने ऑस्ट्रेलिया की बजाई थी। आप अभी शादाब नहीं बजाई थी ना, देख लो। अब आप ये थोड़ी बोल सकते हो उसामा मीर को उठा के ले आओ, बाबर अपने दोस्त इमाम को खिलाने के लिए जो है वो फखर को इंजर्ड करवा रहे एक मैच के लिए। यार इस तरीके से थोड़ी होता, आप अपनी टीम में भाई हमारी इंडोर क्रिकेट नहीं हो रही, अपने हाजी को इंजर्ड करा के इसे खिला रहे। अब आप कल देखे ना, आप कल देखे यही होगा, आप लोग सही बता सकते हैं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया से जा रहा हूँ। तो देखिए पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि जहाँ तक पाकिस्तान को थोड़ा बहुत अगर जीतना है ना, तो उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक और फखर की जोड़ी होगी। लेकिन अभी वो न्यूज यही आ रही है कि फखर आउट ऑफ है, फिर आपने अब्रार को रिजर्व में डाला जो आपका अच्छा स्पिनर है, फिर आपने जो है वो उसामा मीर को खिला नहीं रहे। तो ये सब देखिए पूरे टीम में ना, लास्ट में हमने भी ये बात की थी, पूरे उसके अंदर ना सिर्फ उसामा मीर की जगह बनती है टीम में से। यार इमामुल हक ने लास्ट मैच में अच्छे रन किए, क्या अच्छे रन किए, मतलब अब सही है मैं पाकिस्तान की साइड हूँ, लेकिन ये क्या बात है भाई, आप इतना बड़ा मैच खेलने जा रहे हो, मुल्क के लिए खेल रहे हो, क्या हो गया यार? मतलब ये कैसी बात कर लिया? लास्ट मैच में सिर्फ आपके तीन प्लेयर्स ने तो रन किए, रिजवान, बाबर और इमामुल हक ने। क्यों भाई आप अब्दुल्ला शफीक 20 रन बनाए उसने, एटलीस्ट उसने स्टार्ट आपको उसी ने ही दिया था। आप लोगों का सबसे हाईएस्ट स्कोर तो मेरे ख्याल से एंड में तो हसन अली गया 16 रन के साथ। देखो मेरी बात सुनो, बात ये नहीं होती है, वो बात ये कि वो एक बुरा दिन था, वो टल गया ना। लेकिन आप इमामुल हक का साइड नहीं लूंगा, क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन है ना। इवन हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम, वो भी कह रहे हैं पास्ट की परफॉर्मेंस नहीं देख रहा, हम जीत के आ रहे हैं तो भी, हम हार के आ रहे हैं तो भी, कल हमारा इम्तिहान है बहुत बड़ा। हमने और हम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कल पाकिस्तान बाउंस बैक कर रहा है और बहुत अच्छे मार्जिन से बिल्कुल कर रहा है। लेकिन कल आप दोनों यहाँ बैठ के तारीफें कर रहे हो, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, अभी भी पाकिस्तान की साइड ही हूँ मैं। लेकिन मैं यही बात वापस दोहरा रहा हूँ कि भाई इमामुल हक ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा कि भाई आप बोलो नहीं बहुत अच्छा खेला उसने, वो इतना बड़ा मैच खेलने आया और केक कटवा रहा है आगे के भाई जलो भाई केक हो जाए। कटवा रहा है लेकिन उसका अच्छा स्टार्ट दिया 35 ओवर में। आप एक ओपनर से, आप रोहित शर्मा को देखो स्टार्ट उसे बोलते हैं, देखो आप जाओ उधर उनकी इंग्लैंड की देखो कैसे स्टार्ट करता है, बॉर्नर कैसे स्टार्ट करता है। पिछले मैच में हमारी आप अपने ओपनर्स के ऊपर आप ये बोलो कि 30 रन बना दिए, रोहित शर्मा की क्लास का प्लेयर ना या कोहली की क्लास का प्लेयर हमारे पास नहीं है। आज कोहली का छक्का जो था कैसा था?
यार आप बच्चों वाली बात करो, कोहली का छक्का कैसा कैसा था? बेहतरीन छक्का था, लेकिन हमारे शॉट पे आप बाबर की कवर ड्राइव भी बहुत जबरदस्त है। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, लेकिन आप इमाम उलग की साइड नहीं लो, मैं उसकी साइड नहीं लूंगा। चलो बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से इस टाइम आउट ऑफ फॉर्म और इंजर्ड फखर को लाने से बेहतर है कि आप इमाम को ही कैरी करो। वो दोस्ती सिर्फ शादाब की जगह उसामा अमीर को डाल दो, नवाज की जगह क्यों नहीं आना चाहिए उसामा? देखो उसकी जगह हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है ना कोई, सुनने में आ रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है की आगा सलमान को उसकी जगह डाल देंगे, रिजल्ट कोई खास नहीं आएगा उससे। नहीं वो एक अच्छा ऑप्शन है, बैटिंग बहुत अच्छा बैट्समैन है। जो हम नवाज की जगह सोच रहे हैं ना वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऑल्दो एक अच्छी रिप्लेसमेंट आगा सलमान ने टेस्ट में भी और वनडे में भी जहाँ जरूरत पड़ी रन कर रहे हैं पीछे, ऐसे ही पीछे वेस्ट इंडीज की सीरीज में अच्छा ऑल राउंडर है आपके पास, एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हम नवाज से ला रहे थे इमाद वसीम वाली, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, तो वो तो हम फुलफिल कर भी नहीं सकते, तो हमें उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सिर्फ एक चेंज करना चाहिए, आपके ख्याल में दो चेंजेस करने चाहिए? मेरे ख्याल में दो चेंजेस, बाब अब्दुल्ला शफीक और फखर, और नीचे उसकी जगह शदाब की जगह पे, और बीमार शाहीन को हम खिला दे, क्योंकि न्यूज़ ये भी आई है कि शाहीन बीमार है। यार ये तो फेक भी हो सकती है, अभी फेक नहीं है, न्यूज़ नहीं है स्टेटमेंट है। एक दिन बीमार थे, दूसरे दिन सब सहयोग फील्ड पे आ गए, अब्दुल शफीक क्वारंटीन था पूरा दिन। देखिए शाहीन अपने डे में बहुत डेंजरस बॉलर है, ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है। और बेंगलोर की पिच में मुझे ये लगता है कि प्योर बैटिंग विकेट होगी, प्योर बैटिंग विकेट है, प्योर बैटिंग विकेट होगी, जिसके ऊपर आपको देखिए हमारा तो मुझे तो पता है कि भाई वार्नर जो है ना वो तो उसने तो बहुत मार मारनी है। अच्छा देखो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का ये कि वो उनका होम ग्राउंड हर साल आईपीएल खेलने आते हैं, वो ऐसा ही है। हमारे तो प्लेयर ही पहली दफा खेलेंगे यहाँ पे मेरे ख्याल में सबके साथ, किसी एक ने पहले नहीं खेला उस ग्राउंड में। तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को क्या टारगेट पोस्ट करना चाहिए? पाकिस्तान को अराउंड आई गेस अबव 330 पोस्ट करना चाहिए, 330 टू 360 के दरमियान। टॉप स्टार प्लेयर्स कौन होंगे हमारे आपके लिहाज से? या भादी पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के टॉप में तो आपके पास सबसे पहली बाबर आजम, सबसे पहली बाबर आजम है, उसके बाद मैं आपको बोलूँ शाहीन होना चाहिए, और या हसन अली बैट्समैन की बात। 330 फुट कर रहे, तो कैसे फुट कर रहे हैं बाबर आजम आपका? अगर आपको एक अच्छा टाइम दे तो, और उसके साथ रिजवान और अब्दुल्ला शफी, मैं इमाम उलग के राय उसमें हूँ। आपकी 11 में तो इमाम उलग है ही नहीं। हाँ सर, मेरे हिसाब से ना इस पिच के ऊपर 325-330 रन पाकिस्तान को करने चाहिए, और कर पाकिस्तान कर सकता है भाई, क्योंकि मेरे हाथ में अगर पाकिस्तान मैच जीत गया, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट बैठा हूँ पाकिस्तान मैच जीत गया। कल आपको बता दें ठीक है, लेकिन और अगर कल पाकिस्तान मैच जीते या हारे हम कल बकरा खाने जा रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल की वीडियो हम बकरे बनाएंगे। और आपकी प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की क्या है? ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 देखिए, अगर ट्रैविस हेड जो अगर अवेलेबल होते तो हम मार्च की जगह वार्नर की जगह जो है वो ट्रैविस हेड को खिलाते, अभी अवेलेबल नहीं है शायद, तो हम लोग खिलाएंगे वार्नर, मिचेल मार्श, इसके अलावा आ गया हमारा स्मिथ, आ गए स्मिथ के बाद आ गए मैक्सवेल, मैक्सवेल के बाद जॉश इंग्लिस, और फिर उसके बाद जैम्पा मार्कस स्टोइनिस और एड कमिंस, जॉश हेजलवुड, और इसके अलावा जो है वो मिचेल स्टार्क। तो आपके स्टार्क मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट क्या होगा यार? कल मुझे तो इस बात से डर लगा, वो फखर रमान के छक्के याद है, वो मिशेल स्टार की मार थी, आपका इमाम उलग कुछ नहीं कर सकता, वो टी20 की बात है, आपका इमाम उलग नहीं कर सकता। आप कल व्यूअर्स आप कल देखते रहिए ना, आप कल देखिए कि हम आपको जो है कल कोशिश ये है कि मेरी हम वैसे दुआ तो खैर हम सबकी ये कि पाकिस्तान जीते, लेकिन मुझे उम्मीद भी यही है कि पाकिस्तान जीतेगी इंशाल्लाह। हादी को भी उम्मीद किसी हद तक ये पाकिस्तान जीते, लेकिन साथ भाई को मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो आप लोग दुआ करें कि साथ भाई की उम्मीद में कल पानी फेर जाए, साथ भी आप भी खुद भी दुआ करिएगा कि आप देखिए दिल तो पाकिस्तान का है, दुआ तो करते रहो लेकिन सब्सक्राइब सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो यार जो तुम लोग मजीद नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल में सब्सक्राइब कर, मेरी शक्ल पे। चलो कैमरामैन अहमद रजा के साथ हम सबको इजाजत दें, बहुत शुक्रिया।